नमस्ते, आज आम एलर्जी राइनाइटिस सिम्टम्स और यार ट्रीटमेंट विषय डिस्कस करिबा। एलर्जी राइनाइटिस गोटे बहुत ही कॉमन कंडीशन एवं यार इंसिडेंट कॉमन पॉपुलेशन रे 20-40% एवं यार इंसिडेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड रे अच्छी। आम देखु बहुत जन एवं न्यूली डायग्नोस्ड एलर्जी राइनाइटिस पेशेंट आम पाखक आसुचार। एलर्जी राइनाइटिस कंडीशन रे आमर बॉडी नॉर्मली एनवायरमेंट रे थिवा डिफरेंट एलर्जन अगेंस्ट रे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करथाय। एनवायरमेंट रे बहुत गुड़े एलर्जेन्स थाए। मोस्ट कॉमन एलर्जेन्स आर डस्ट, माइट, पोलन, डिफरेंट फंगस, किछिटा फूड पार्टिकल एलर्जेन हिसाब रे प्रेजेंट करथाय। एही एलर्जेन जेतेबेला आमर बॉडी रे कांटेक्ट रे आसे नोज थ्रू रे किमा ओरल कैविटी थ्रू रे आमर बॉडी बहुत गुड़ा इनफ्लामेटरी मेडिएटर्स सिक्रेट करे एवं ए इनफ्लामेटरी मेडिएटर्स माने आम बॉडी रो बहुत गुड़ाए सिम्टम्स डेवलप करे थांती। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर नाजल डिस्चार्ज, नाकरू बहुत गुड़ाए वाटरी डिस्चार्ज होगा, रिपीटेड स्नीजिंग, नाजल ब्लॉकेज, हेवीनेस ऑफ हेड, इचिंग इन नोज एंड आई, ऑल ओवर बॉडी रे इचिंग होगा। किसी पेशेंट मध्य आमको थ्रोट डिस्कम्फर्ट, कफ, फॉरेन बॉडी सेंसेशन सहित प्रेजेंट करते हैं। ये पेशेंट मानक डायग्नोसीस करने फर्स्ट तो आम से हिस्ट्री नहीं था, तापर नाजल एंडोस्कोपी कर देखी था कि नोज रे किसी पॉलिप्स अच्छी किंवा अदर किसी एसोसिएटेड फीचर्स अच्छी ना नाई, तापर किसी ब्लड टेस्ट कर देखी था कि पेशेंट रो बॉडी रे एलर्जी रो लेवल केते अच्छी, आईजी लेवल केते अच्छी एवं इओसिनोफिल काउंट केते अच्छी। तापर आम डेफिनेटिव टेस्ट जमीक स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करता। ये टेस्ट रे आम देखी था कि क्यों स्पेसिफिक एलर्जन पेशेंट सेंसिटिव अच्छी एवं जदि किसी सेनसीटिव एलर्जेन्स आमको मिले तो तार स्पेसिफिक इम्यूनोथेरापी एवं आम पाखे आवेलेबल अच्छी। आगर आम पाखे केवल सिम्टोमेटिक मेडिकेसन्स आम एलर्जी को क्योर कर पार्नु, आम पेशेंट रो सिम्टम्स को खाली रिड्यूस करूँ आंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, नाजल स्टेरॉइड स्प्रेज, ओरल स्टेरॉइड्स देकी, किंतु एबे इम्यूनोथेरेपी द्वारा आपण स्पेसिफिक एलर्जन अगेंस्ट रे इम्यूनोथेरेपी दबा द्वारा बॉडी रो स्पेसिफिक एलर्जन पाई जो रिएक्शन होची ताहाको आम सप्रेस कर पारछु एवं बहुत जन पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म पर्यंत सिम्टम्स फ्री रही पारछन। जदि कौन पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस अच्छी ताको इग्नोर करने दरकार ना, तामे भी नाजल पॉलीप, साइनोसाइटिस किंवा अदर डिजीज को प्रोग्रेस करी परे, किसी पेशेंट मध्य अस्थमा डेवलप करी परंती। तो जदि एलर्जिक राइनाइटिस अच्छी ताको तुरंत डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट करंतु। थैंक यू।